ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में फीस की मांग को लेकर निजी स्कूल और सरकार आमने सामने हो गए हैं। फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पर है, जिसके तहत मंगलवार से फॉर्म द्वारा राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। इससे पहले 5 नवंबर से 50,000 से ज्यादा निजी स्कूलों ने ऑनलाइन स्टडी को बंद कर रखा है। बता दें, मंगलवार से राजस्थान के करीब 10,000 निजी स्कूल संचालकों की ओर से राजभवन कूच कर राज्यपाल को ज्ञापन देने की चेतावनी थी, लेकिन शिक्षा विभाग से वार्ता के बाद राजभवन कूच को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन धरने को यथावत रखा गया, जिसके तहत मंगलवार को बड़ी संख्या में निजी स्कूल संचालक शहीद स्मारक स्थित धरना स्थल पहुंचे, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद धरना स्थल पर सिर्फ 10 निजी स्कूल संचालकों ने रुकने का निर्णय लिया। तो वहीं धरने पर बैठी हेमलता शर्मा ने धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की भी शुरुआत कर दी। इस दौरान फॉर्म की प्रवक्ता हेमलता शर्मा ने बताया कि पिछले 10 दिनों से प्रदेश के करीब 50,000 से ज्यादा निजी स्कूल संचालक आंदोलन की राह पर है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे निजी स्कूलों को शिक्षा मंत्री ने धंधा करार दिया है। हेमलता शर्मा ने आगे कहा, ऐसे में अब तक शिक्षा मंत्री निजी स्कूलों से माफी मांगे, साथ ही फीस को लेकर कोई उचित समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और दिवाली के बाद प्रदेश के 11 लाख निजी स्कूल स्टाफ जयपुर में जुटकर प्रदर्शन करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।